आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्मिता और पूरा झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। आज हमने तीन घोषणा किया हूं। पहला, जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा। कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालूंगा। दूसरा, झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा, ये भी हमारा वादा है। तीसरा, आदिवासी बेटियों को अगर कोई घुसपैठी शादी करता है तो ऐसा बेटी मुखिया का पोस्ट में चुनाव ना लड़े। इसलिए जो मुखिया का पद होते हैं वो आदिवासी के लिए होता है। जब घुसपैठिया शादी करता है, इनडायरेक्टली घुसपैठिया ही मुखिया हो जाता है। तो हम कानून बना के वो व्यवस्था को भी हम बंद करेगा। कुल मिला के पूरा संथाल परगना को हम घुसपैठियों से भी मुक्त करेगा और घुसपैठियों का प्रभाव उसे भी हम मुक्त करेगा। आज आप देखिए संथाल परगना में आज किसका दबदबाव है? इरफान अंसारी, हमारे आलमगीर आलम। आज रुपया पैसा किसका घर में बरामद होता है? कोई आदिवासियों का घर में पैसा नहीं है, कोई हमारे मूलवासियों का घर में पैसा नहीं है, आप लोगों का घर में पैसा नहीं है, लेकिन आलमगीर आलम का घर में पैसा होता है। आज इरफान अंसारी का दुस्साहस देखो आप, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ये सरकार घुसपैठियों को और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति को ये लोग संरक्षण देते हैं। तो हम ये वादा करता हूं, सरकार आने दीजिए, सीता सोरेन जी को जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया है इसका कारण इरफान अंसारी जेल जाना पड़ेगा। सीता सोरेन अगर जीतती है तो उन्हें क्या मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, ये दुर्गा सोरेन जी का पत्नी है, गुरु जी का बहू है, तो मेरा तो लगता है मंत्री तो बहुत कम होता है, उनका बहुत अच्छा भविष्य है। www.thefollowup.in